देश भर में जारी लॉकडाउन के बीच देश में आर्थिक संकट का दौर भी शुरू हो गया है। शायद इसी का नतीजा है कि लॉकडाउन 5.0 यानी कि अनलॉक 1 में लगभग सभी आर्थिक गतिविधि को खोल दिया गया है। इस बीच अब भले ही बाजार खुलने शुरू हो गए हैं, लेकिन बाजार में दुकानदार अभी भी खाली ही बैठे हैं। खास तौर पर गारमेंट्स का व्यापार करने वाले दुकानदार हाथ पर हाथ धर के बैठे हैं। इस बीच हम पहुंचे दिल्ली के बुद्ध विहार की प्रसिद्ध मार्केट में, जहां हमने न केवल बाजार का हाल जाना बल्कि गारमेंट्स का व्यापार करने वाले व्यापारियों से बात भी की। इस दौरान दुकानदारों ने खुलकर बाजार का हाल बताया। दुकानदारों की माने तो लॉकडाउन के बीच बाजार बिल्कुल ठंडा पड़ा है। दुकानदारों के अनुसार लोगों में एक तो कोरोना का खौफ, दूसरा लोगों की जेब ढीली हो गई है, जिसके कारण बाजार में गिने चुने लोग ही नजर आ रहे हैं। जो बाजार के अंदर अब देखा जाए, जिस तरीके से पहले जो कस्टमर की जो थिंकिंग थी वो ये थी कि जहाँ भीड़ कम हो ज्यादा होगी वहाँ कस्टमर पहले माल खरीदने आता था, अब उस जगह आता है जहाँ लोग कम हो, तो उसी चीज का हम ख्याल रखते हैं। कस्टमर जब आता है तो उसको सैनिटाइज किया जाता है, उसके हाथ, उसके बाद जब नोट लिए जाते हैं उसमें भी सैनिटाइज किया जाता है, तो कस्टमर की सेफ्टी ही हमारी सेफ्टी है। अब ना दूसरी बात, कमाई भी पहले से कम हो गई है जी। आप देखोगे मार्केट पूरी खाली पड़ी है, अब ग्राहक नहीं निकलता। और अगर देखा जाए ग्रोसरीज हुई या जो और भी हुए जो नेसेसिटीज प्रोडक्ट्स हैं, उनका क्या था कि चलो ये तो चलते रहेंगे, दूध दही खाऊंगी। अब हम जैसे व्यापारी हैं, कपड़ा व्यापारी, कपड़ा आदमी जल्दी से नहीं खरीदता, तो लॉकडाउन की वजह से जो कस्टमर पहले आता था और लॉकडाउन के बाद जो देखा जाए तो उस पर कस्टमर का कम हो गया है। तो इसका असर थोड़े समय तक रहेगा, बाकी हमें ये उम्मीद है कि थोड़े समय के बाद काम अपनी सारी रूटीन में आ जाए। लोगों की जेब पर असर इसका थोड़ा सा लंबे समय तक रहेगा, बाकी अर्थव्यवस्था थोड़े से समय में अपनी रूटीन में आ जाए। जिस हिसाब से बाजार में चहल पहल चल पड़ी है, जो भी कस्टमर यहाँ पे आ रहा है हम उसको उस हिसाब से सब गाइड कर रहे हैं, हम उसको सैनिटाइजर वगैरह कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। दुकानदारों की माने तो लॉकडाउन के बाद दुकानों पर ग्राहक गिनती के ही नजर आ रहे हैं। खास तौर पर गारमेंट से जुड़े व्यापारियों का तो बुरा हाल है, क्योंकि एक तो लॉकडाउन में लोगों की जेब पर काफ़ी असर पड़ा है, दूसरा इस वक्त लोग केवल अपने ज़्यादा जरूरी सामान को ही खरीदारी कर रहे हैं। गारमेंट से जुड़े व्यापारियों का कहना है कि अभी आगे आने वाले कुछ समय तक मार्केट का कुछ ऐसा ही हाल रहने वाला है। पड़ेगा, पॉजिटिव असर पड़ेगा इसका, थोड़ा धीरे धीरे खुलेगा जैसे गाड़ी पटरी जाएगी। अभी तो देखो जी काम दाम ऐसे ही है, काम चल जाएगा, टाइम लगेगा धीरे धीरे रूटीन में लाइफ आने, मतलब अर्थव्यवस्था में फर्क पड़ेगा, लेकिन टाइम होते सुधर जाएगा। हाँ टाइम लगेगा, जब तक कोरोना है कम से कम तब तक तो टाइट रहेगी। बहरहाल भले ही लॉकडाउन 5.0 में सरकार ने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए कई रियायत दिए हों, लेकिन दूसरी तरफ यह भी सच्चाई है कि लॉकडाउन में अर्थव्यवस्था पर भी असर जरूर पड़ा है। और शायद इसी का नतीजा है कि अनलॉक 1 के बीच मार्केट को खोलने की अनुमति दी गई है। दूसरी ओर देखना यह भी लाजमी होगा कि बाजारों में लौट रही रौनक के साथ व्यापारियों के चेहरे पर भी मुस्कान कब तक वापस लौटती है। दिल्ली से अपने सहयोगी अनुज झा के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।